जानवरों के हंसा देने वाले काफी वीडियोस इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन इन वीडियोस को एक साथ देख पाना काफी मुश्किल है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अतरंगी जानवरों के वीडियोस दिखाने वाले हैं, जिनकी हरकतें आपको हंसा कर रख देंगी। तो हमारी यह वीडियो भी काफी मजेदार होने वाली है, इसे आप आखिर तक जरूर देखें। हाथी खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिन्हें देखकर ही लोग और बाकी जानवर डर जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए यहाँ की ये हाथी इस गाड़ी से हफ्ता वसूली करते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते ये टेम्पो वाले भाई साहब ने हाथी को खाने के लिए दिया, मगर फिर भी ये हाथी वहाँ से जाने के बजाय गाड़ी को इसने धक्का दिया। और ये हाथी यहाँ पर शायद यही कह रहा होगा कि अगली बार ज्यादा खाना लेकर आना। ये ले बेटा, ये भी ठूस ले, खा ले। ए बाबा, ए तो बहुत कम है रे, ये ले, तो ले, हां नहीं तो फोड़। गाड़ी कर दे, दोस्तों आपने बंदरों को खाते पीते और मस्ती करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन अभी जो बंदर हम आपको दिखाने वाले हैं, वो बाकियों से काफी अलग है, क्योंकि ये भाई खाना नहीं खा रहा बल्कि गरबा की प्रैक्टिस कर रहा है। लगता है कि भाई आज जमकर गरबा खेलने वाला है। भाई खाने की बात आती है तब सभी जानवर ऐसे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, मानो कि उन्होंने पिछले जन्म से कुछ भी नहीं खाया हो। वैसा ही यहाँ पर ये पिगी अपना डिनर कर रहे थे, जिसके चलते एक बेबी पिगी खाने के अंदर बैठकर खाने का मजा ले रहा है, जिसको इस बड़े वाले पिगी ने बाहर फेंक दिया, जो कह रहा होगा अबे बचकाने चल फुट यहाँ से। तू भाग जाना, तमीज से बात कर, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। आतंकवादी बाहर निकल, जिस तरह से हम इंसानों में दोस्ती होती है, ठीक उसी तरह जानवरों में भी हमें आपस में दोस्ती देखने को मिलती है। और उसके चलते अगर कोई शख्स उनके दोस्त को परेशान करे, तब क्या आप जानते हैं कि ये क्या करते हैं? नहीं तो आप यहाँ देखे, ये भाई जबरदस्ती घोड़े की सवारी करना चाह रहा था, जबकि घोड़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इसी वजह से घोड़े ने अपने दोस्त बुल को बुलाया और बुल ने अपने दोस्त यानी कि उस घोड़े को बचाया और इस आदमी को भगा दिया, जो कह रहा होगा आया बड़ा मेरे दोस्त की सवारी करने वाला, चल भाग यहाँ से। अरे बचा लो कोई, अरे कोई बचा लो, अरे ऊपर से ऊपर से भाग रहे। भाई कुछ जानवर साइज में भले ही छोटे हो, लेकिन उनके अंदर बड़े बड़े जानवरों को डराने का दम होता है। मगर यहाँ अभी हम किसी बिल्ली की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इस पक्षी की बात कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक कंगारू मस्त यहाँ पे खड़े होकर खाने का आनंद उठा रहा था, जिसे इस पक्षी ने देखा और इसने कंगारू को वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद ये खुद उस टोकरी से खाना खाने लगा, जो खुद को साउथ मूवी का हीरो समझता है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। चले चल, 1, 2, 4, चल निकल यहाँ से, चल चल बनाना चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा। चल यहाँ से, चल निकल। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। गलत है, गलत सही कह तू के बिग बॉस है। अब जरा आप इन दोनों के लफड़ों पर नजर डालिए, ये दोनों इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग ये नहीं तय कर पा रहे कि मालिक ने दिया हुआ खाना दोनों में से आखिर किसका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है और वो आप यहाँ देखे। तो देखा आपने, यहाँ पर ये दोनों अनपढ़ खाने के लिए हाथापाई कर रहे हैं, वही इस भाई ने अपना दिमाग चलाया, जिसने आपदा को अवसर में बदल लिया। और ये यही कह रहा होगा कि तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, तब तक मैं खाना का स्वाद चख लेता हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं कहता हूँ छोड़ दे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये शॉट कर दो कैमरा। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई, तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें।